नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे ज्योग्राफी फर्स्ट सब्जेक्ट में। फिजिकल ज्योग्राफी में चल रहा था, जिसमें लास्ट या गत जो चैप्टर था वो था आपका भू संचलन था। इसमें था फोर्स या बल के बारे में था कि बल द्वारा कौन सी स्थल मंडल पर या लिथोस्फीयर कौन से भूआकार बने हुए हैं, उन भूआकारों की संरचना के बारे में और उसको उसका समतलीकरण के बारे में बात की थी। कौन से बल कार्य करते हैं, उन बलों के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है सरफेस पे, जो आकृतियाँ बनती है, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करें उसका नाम है रॉक्स, चट्टान। चट्टान या सेल, सेल के बारे में बात करते हैं तो रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी संरचना कैसी, इस बारे में बात करेंगे। तो रॉक्स चट्टान, चट्टान के बारे में बात करने से मतलब इसे बोलते हैं, इसे सेल भी कहा जाता है। सेल या धरातल या सतह, धरातल का जो लिथोस्फीयर है या स्थल मंडल है, इसको चट्टान या बोलते हैं, उसके ऊपरी भाग को परपट्टी बोलते हैं अपन, परपट्टी या क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, परत, ऊपरी परत, जिसका ऊपरी भाग और जिसका निचला भाग जो ठोस अवस्था में बना हुआ है, जो एक कठोर अवस्था में या ठोस अवस्था में बना हुआ है, उसे बोलते हैं अपन सेल या चट्टान। चट्टान का घनत्व निचली सेल की अपेक्षा कम होता है, यानी इसके नीचे जो सेल होती है वो अधिक भारी सेल होती है, अधिक हैवी सेल होती है, उसे बोलते हैं अपन निचली सेल होती है, उसको सबस्ट्रेटम यानी अंत अध स्तर या सबस्ट्रेटम, SUBSTRATUM, सबस्ट्रेटम, यानी धरातल का जो निचला भाग है, सरफेस का जो नीचे वाला जो क्षेत्र है, जो अधिक घनत्व सेल से बना हुआ है, उसे बोलते हैं सबस्ट्रेटम अधस्तर। और जो इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है, जो कम घनत्व वाले सेल से बना हुआ है, जिसमें कठोरता कम पाई जाती है, उसे बोलते हैं क्रस्ट या भूपरपट्टी या ऊपरी परत। तो सरफेस का ऊपरी भाग है वो कठोर जो सेल से बना होता है, कठोर रासायनिक मिश्रण से बना होता है, जिसमें कई बार के खनिज रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, उस सब का संगठन से या सम्मिश्रण से बनी हुई पदार्थ को बोलते हैं सेल या चट्टान। चट्टान की परिभाषा ये थी कि चट्टान में कई तत्व पाए जाते हैं, जो तत्व संरचना में या सहयोग करते हैं, उसमें मूल रूप से चार जो तत्व हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, जो सेल की संरचना बनाने में सहयोग करते हैं। उसमें जैसे ये चट्टान का जो तत्व है बताया मैंने आपको, उसमें एक तो है ऑक्सीजन O2, दूसरा है सिलिकन जिसका प्रतीक है SI, और एक है एल्यूमिनियम। उसके बाद में लोहा भी होता है इसमें, आयरन, आयरन है इसमें, और इसके अलावा और भी अन्य पदार्थ होते हैं जो इसमें पाए जाते हैं, जो एल्यूमिनियम है, निकिल है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये भी से तत्व पाए जाते हैं। मूल ज़्यादा जिनका ज़्यादा घनत्व है वो मूल है, जो तीन तत्व ज़्यादा जिनका घनत्व अधिक है वो है O2। इसके अलावा 46% भाग जो चट्टान में जो तत्व होते हैं उस सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके घनत्व कितना परसेंट है, 46% ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद में सिलिकन है 27% जो क्षेत्र है, 27% जो रासायनिक पदार्थ पाया जाता है वो आपका सिलिकन या पाया जाता है, सिलिका, और बाकी 8% है वो पाया जाता है एल्यूमिनियम। बाकी जो बचा उसमें लोहा है, निकिल है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, ये अन्य तत्व इसमें पाए जाते हैं। इन सभी रासायनिक तत्वों का सम्मिश्रण से सेल का निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण हुआ करता है। तो चट्टान मूल रूप से मुख्यतः चट्टान मूल से तीन प्रकार की होती है। प्राथमिक स्तर बात करें या मूल बात करें तो चट्टान एक ही होती है, उसका नाम है आग्नेय सेल। जैसे अपन चट्टान की बात करें तो एक नंबर जो सेल है वो है आपका आग्नेय सेल, आग्नेय
सेल। आग्नेय सेल, आग्नेय रॉक्स। दूसरी आपकी इसमें है, उसका नाम है अवसादी। सेल जिसे बोलते हैं सिडिमेंट्री, सिडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरी है आपकी रूपांतरित, रूपांतरित सेल। या कायंत्रित सेल, रूपांतरित सेल यानी मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेल मुख्य तीन प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। पृथ्वी के प्राथमिक जो सेल की बात करें, पृथ्वी के धातल की बात करें, सबसे पहले जो मूल सेल होती है वो है आग्नेय सेल, यानी जिसकी उत्पत्ति आग से या अग्नि से या ज्वालामुखी से हुई है। ऐसा पदार्थ जो प्रथम अवस्था में जो गर्म लावा या मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है, ठोस अवस्था का रूप धारण कर लेता है, उसे बोलते हैं आग्नेय सेल, या आग के द्वारा ठंडा होकर जो ठंडी सेल बनी है जिसका जम कर ठोस अवस्था में धारण कर ली, उस सेल को कहा जाता है आग्नेय सेल। आग्नेय सेल प्राथमिक सेल है, इसके पश्चात जो भी जो सेल बनती है वो आग्नेय सेल के द्वारा ही उसका अपरदन अपक्ष होने से या उसका रूपांतरित होने से बनती है। तो मूल सेल कौन सी है? आग्नेय सेल है। तो आग्नेय सेल मूल सेल है, इसके इसके प्रभाव से, इसके अपरदन अपक्ष से, टूटने फूटने से दो सेल बनती है जिसको बोलते हैं औषधि सेल। और इसी इन दोनों सेलों का किसी न किसी रूप में रूपांतरित हो जाना या कांतित हो जाना या रूप बदल जाता है, उसे बोलते हैं रूपांतरित सेल। तो मूल सेल कौन सी कहलाएगी? आग्नेय सेल। तो आग्नेय सेल के बारे में बात करें, इसका निर्माण कैसे हुआ इसकी बात करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं आग्नेय सेल की उत्पत्ति के बारे में। जिस प्रकार अपन बात करते किसी धातल पर या अपन धातल पर सरफेस पे कोई ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उससे लावा पदार्थ बाहर आकर गिरता है और जम जाता है, यानी लावा जो मैग्मा धातल के जो नीचे होता है वो मैग्मा तरल अवस्था में होता है, गर्म तरल अवस्था में होता है, लिक्विड होता है, वो मैग्मा किसी कारण से धातल पर धातल के बाहर या अंदर से भी हो जाता है। तो ये मैग्मा जब धातल के बाहर आकर ये फैल जाता है, क्या रहता है? धातल में फैल जाता है, मतलब चारों लंबी दूर तक फैल जाता है और फैल कर ठंडा होकर जम जाता है तो ठोस अवस्था का रूप धारण कर लेता है, उस सेल को बोलते हैं आग्नेय सेल। आग्नेय सेल की विशेषता ये होती है कि अगर वो लावा पदार्थ बाहर का जम गया तो वो सेल आग्नेय सेल, इसलिए मतलब उसकी जल्दी शीघ्र ठंडी हो जाती है बाहर आकर, मतलब ये धातल के बाहर आने के बाद शीघ्र ठंडी हो जाती है। तो वह है तो आग्नेय सेल का उदाहरण, लेकिन वो उसका जो रूप एक्चुअल जो आग्नेय सेल उसका रूप होता है बेसाल्ट होता है। ये क्या होता है? ये बेसाल्ट होता है। और अगर नीचे से भी होती है आग्नेय सेल तो उसे बोलते हैं ग्रेनाइट, उसे बोलते हैं। अगर को नीचे इस के नीचे या को नीचे तो सेल को जमा हो जाती है या नीचे से भी होती है या अन्य भूआकार में जमा हो जाती है किसी कारण से, धातल के नीचे ही मैग्मा किसी क्षेत्र में आकर जमा हो जाता है, सेपित होता है, निक्षेपण हो जाता है, तो उस धातल के नीचे जो सेल जमे उसको ठंडा होने में समय लगता है, काफ़ी लंबे समय तक ठंडा नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो उसमें के रवेदार चट्टान का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं अपन ग्रेनाइट, उसे बोलते हैं ग्रेनाइट सेल। अगर वो ग्रेनाइट, वो भी क्या किसका उदाहरण है? आग्नेय सेल का उदाहरण है, लेकिन वो पदार्थ वो लावा मैग्मा के रूप में था जो लावा के रूप में बाहर आकर फैल गया और जम गया और ठंडा होकर फैल जाता है, उसे कहेंगे बेसाल्ट। तो ये बेसाल्ट ही आग्नेय सेल का उदाहरण है, और ग्रेफाइट भी, ग्रेनाइट भी आपका किसका उदाहरण है? आग्नेय सेल का उदाहरण है। तो ये आग्नेय सेल के दो बताए, बाहर आकर जो ठंडा होकर जम गया वो बेसाल्ट कहलाएगा, और नीचे जो सेपित हो गया उसे बोलेंगे ग्रेनाइट सेल।
अब जब किसी कारण से ये जो पठार, ये जो पर्वतीय भूभाग बन गया या आग्नेयशिलाग्नेय ऊपर आकर धरातल पर फैल गई, ठंडी होकर जम जाती है, फिर किसी न किसी कारण से प्राकृतिक संसाधनों ने या प्राकृतिक जो स्रोत है या संसाधन है, ये जो वायु है, जल है, नदी है, हिमानी है, जो बाह्य शक्तियाँ होती है, इसके द्वारा इन चट्टानों का घर्षण होता है, अपरदन होता है, अपक्ष होता है, तो वहाँ से कट कट कर हट कर कट कर वहाँ से घिस कर वहाँ से अन्यत्र जाकर परतदार रूप में, परतों के रूप में जमा होती है। मतलब एक परत जमा हो गई, फिर उसमें घास फूस पत्ते पेड़ उग जाते हैं, फिर वो उगकर फिर उसमें फिर नई परत जमा हो जाती है, फिर उसमें वो परत जमा हो जाती है। उसमें कई बार जीवाश्म या जीवों से कोयला है, अन्य खनिज तेल की मात्रा है या अन्य पदार्थ के जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, तो वो कौन सी सेल का निर्माण होता है? अवशादी सेल का। अवशादी सेल निर्माण कब कैसे हुआ कि जब मूल सेल का यानी जो बेसाल्ट है या अन्य जो आग्नेय सेल है उसका अपरदन अपक्ष होकर वहाँ से परतों के रूप में वायु से, हिमानी से, नदी के द्वारा बहकर वहाँ से स्थानित हो जाती है और अन्यतर जो झील क्षेत्रों में, डाउन एरिया में, जो घाटी एरिया में, वहाँ पर परतों के रूप में जमा होना शुरू होती है। तो परतों के जो परतों के रूप में, लहर के रूप में जमा होती है, उस पट्टी में एक समय लगता है जमा होने में। एक बार जमा हो गया फिर उसमें कई बार के पेड़ पौधे घास आदि उग जाते हैं और फिर नई परत फिर उसमें जमा हो जाती है, फिर सेकंड परत आ गई, फिर थर्ड परत आ गई, ऐसे परतों के रूप में जमा होता रहता है। ऐसे परतदार अपरदन, परतदार निक्षेपण बोलते हैं परतदार सेल, इसे बोलते हैं परतदार सेल। कौन सेल बोलते हैं? अवशेष सेल को नाम, अवशेष सेल का दूसरा नाम क्या कहलाता है? परतदार सेल, कि ये परतों के रूप में जमा होती है, इसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, इसमें कोयला खनिजों के भी प्रमाण ये साक्ष्य ये प्राप्त हुआ करते हैं। तो ये परतदार सेल किसका? आग्नेय सेल के द्वारा ही, इसका अपरदन अपक्ष द्वारा निक्षेपण से हुआ है। थर्ड होता है आपका, तीसरी सेल होती है, उसका नाम है कायंत्र सेल। कायंत्रित सेल का रूप ऐसा होता है कि कायंत्रित का उसका नाम है रूपांतर सेल, यानी इस सेल में ऐसा होता है कि जब आपकी आग्नेय सेल है या परतदार सेल है, जब किसी कारण से लगातार जम जाती है दबाव या ताप के द्वारा, ताप या दाब के द्वारा इस सेल किसी चट्टान दब जाती है, तो ताप अंतरिक्त आंतरिक ताप से और दबाव के द्वारा इसका रूप बदल जाता है। किसका? आग्नेय सेल का या परतदार सेल का, आग्नेय सेल का या परतदार सेल का, या स्वयं परतदार जो जो आग्नेय सेल बनी हो उसका भी रूप बदल जाता है, उसे बोलते हैं रूपांतरित सेल। तो ये तीनों सेल क्या है? अपने मतलब आग्नेय सेल भी किसी न किसी रूप में आ जाती है, परतदार या अवशेष सेल भी ताप दाब के द्वारा अन्य किसी रूप में आ जाती है, या खुद स्वयं रूपांतरित सेल भी अन्य रूप में दोबारा रूप प्रदत हो जाता है ताप दाब के कारण, इससे बोलते हैं रूपांतरित सेल। तो ये तीन सेल किसका निर्माण हुआ? आग्नेय सेल के द्वारा दोनों सेल का निर्माण हुआ। इन तीनों सेलों जिसे आप आग्नेय सेल होगी पहली, दूसरी अवशादी सेल होगी, तीसरी आपकी होगी कायंत्रित रूपांतरित सेल। तो ये सेलों के प्रकार तीन प्रकार बताए मैंने, एक आग्नेय सेल, दूसरी अवशादी सेल, तीसरी परतदार सेल। अब इसका रूपांतरण किस प्रकार होता है उस बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इधर आप चार्ट में मैंने सेल लिखा, ऊपर ये सेल मूल सेल है, इसका रूपांतरित कौन सी सेल में हो रहा है उसका नाम आ गया इधर, और ये जो सेल है कॉलम बनाए मैंने ये इधर वाला एक कॉलम, ये आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल है, ये सेडिमेंट सेल है, सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री, और लास्ट है रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक। मूल सेल ये आग्नेय सेल, कौन सेल है ये? मूल सेल में ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ग्रेबो है, बिटुमिन्स कोयला है, ये कौन सी सेल का उदाहरण है? आग्नेय सेल का। और जो सेडिमेंट सेल है उसका नाम, उसके जो उदाहरण है वो सेल है, चूना पत्थर है, बालू का पत्थर है, लिग्नाइट है, लिग्नाइट कोयला है, ये सेकंड सेडिमेंट्री सेल या असल सेल के उदाहरण है। थर्ड है स्लेट और फाइलेट, ये किसके? मेटामॉर्फिक सेल के उदाहरण है। अब इसका रूपांतरण किस प्रकार होता है वो देखते हैं। मूल सेल जो बताया मैंने आग्नेय सेल है, उसका रूपांतरण ग्रेनाइट सेल है,
ग्रेनेड सेल किसी न किसी कारण से धागे नीचे जम जाती है और उसका रूपांतरण होता है, रूपांतरण किसी ताप या दाब के कारण ग्रेनेड सेल नीचे वाली जो सेल किसी कारण से ज्वालामुखी उद्गार दशा समय लावा के रूप में आकर निक्षेपित हो गई और जमकर ठंडी हो जाती है, फिर इसका किसी अन्य ताप या दाब के कारण इसका रूपांतरण होता है, तो ग्रेनेड किसे बदलती है? नीस में। किसे बदलती है? नीस में। यह अग्नि सेल किस ग्रेनेड सेल किसका उदाहरण है? अग्नि सेल का है। इसी प्रकार ये बेसाल्ट है जो पृथ्वी के धरातल के बाहर आकर जमा रहती है और बेसाल्ट किसी ने कारण किसी अन्य स्रोत के द्वारा अपक्ष होकर यह पदार्थ शरीर रूप में जमा हो जाता है। तो ये किसी कारण से बेसाल्ट किसी अन्य पदार्थों से दबकर या ताप के द्वारा या दाब के द्वारा अन्य रूप में बदल जाती है, वो कहलाती है आपकी बेसाल्ट। किसमें बदलती है? सिस्ट में। बेसाल्ट किसमें? सिस्ट में। ग्रेनाइट किसमें? नीस में। ऐसे ही बेसाल्ट सिस्ट में ग्रेबो सर्पेटाइन में बदल जाती है और एक बिटुमिनस कोयला होता है वो बनता है ग्रेफाइट में। बिटुमिनस कोयला, कोयली जो किसमें होती है ना, एथोसाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पिट कोयला होता है, तो ये सेकेंड वेराइटी का कोयला है जो अच्छी किस्म का कोयला होता है। अगर ये किसी कारण से ताप या दाब प्राप्त करता है तो सीधा किसमें बदलता है? ग्रेफाइट ही, ग्रेफाइट ग्रुप में बदल जाता है। सेकेंड जो सेल है उसका नाम है सेडिमेंटरी सेल्स। इसका सेडिमेंट सेल्स के बारे में बात करें तो इसमें सेल, इसका पहला आता है ना सेल, सेल किसे मिलती है? स्लेट में। और चूना पत्थर संगमरमर में, और बालू का पत्थर कवर्टरजाइट में, लिग्नाइट कोयला एथोसाइट कोयला में। तो ये चारों जो उदाहरण दिए वो सेडिमेंटरी सेल के हैं, यानी सावसादी सेल के उदाहरण है। अब इसमें सेल है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, बालू का पत्थर है, लिग्नाइट कोयला है। चूना पत्थर और डोलोमाइट दोनों दो ऐसे उदाहरण हैं जो दोनों किसे बदलते हैं? संगमरमर में। और सेल किसे बदलती है? स्लेट में। बालू का पत्थर किसे मिलता है? कवाटर जाइट में। और लिग्नाइट कोयला किसे मिलता है? एक बड़े किस्म का कोयला होता है एथोसाइट, उसमें बदल जाता है। तो ये किसके उदाहरण है? औषधि सेल के। थर्ड आता है आपका मेटामॉर्फिक सेल, इसमें आता है स्लेट और फाइलेट, दो इसके उदाहरण है। स्लेट, स्लेट भी क्या है, मतलब ये रूपांतरित सेल है, इसका भी रूपांतरित रूप होता है तो किसी में होता है? फाइलाइट में। अगर अधिक ताप और दाब किसे मिलेगा तो स्लेट फाइलाइट में बदल जाएगा और फाइलाइट सिस्टम में बदल जाएगा। इस प्रकार मूल सेल होती है उसका ही अपर्दन अपक्ष या अन्य किसी कारण से उसका रूपांतरित हो जाना, अन्य स्थान में चले जाना, सब के द्वारा उसका एक चक्रीय अवस्था बनी रहती है। तो सेलों का एक चक्रीय अवस्था में होने के कारण ये इतिहास का जो पृथ्वी इतिहास के पन्ने के रूप में चट्टान का नाम दिया जाता है। चट्टान एक पृथ्वी इतिहास के पन्ने होते हैं, मतलब किसी इतिहास के, मतलब पृथ्वी की जो उसकी आयु को गणना की जाए, चट्टान की मतलब उसकी गणना करके या उसकी क्वालिटी देखकर ही अपन गणना कर सकते हैं। तो आज हमने जो चैप्टर लिया वो चट्टान था, चट्टान के बारे में इसका प्रकार बताया मैंने और किस प्रकार इसका मूल सेल जो अपन सेल में बदलती है इस बारे में बात की। नेक्स्ट अपन कल नए वीडियो लेकर फिर नए चैप्टर के द्वारा फिर मिलेंगे। आज के इतना ही, धन्यवाद। ओके।